नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा असरदार घरेलू नुस्खा बताऊंगा, यह नुस्खा आपके चेहरे को काफी गोरा और चमकदार बनाएगा। दोस्तों, इस नुस्खे में मैंने जो भी चीजें ली हैं एकदम नेचुरली चीजें हैं, इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। यह आपके चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, इससे आपका चेहरा काफी चमकदार और सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर एक खाली कटोरी में सबसे पहले लेना होगा एक बड़ा चम्मच बेसन का। इस तरीके से दोस्तों, एक चम्मच बेसन लेने के बाद में फिर आपको यहाँ पर दूसरी चीज जो इसमें ऐड करनी होगी वो है दोस्तों हल्दी पाउडर, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। हल्दी पाउडर लेने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर तीसरी चीज जो इसमें ऐड करनी है वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। आपको यहाँ पर आधा चम्मच इसमें एलोवेरा जेल लेना है। इस तरीके से दोस्तों, आधा चम्मच एलोवेरा जेल लेने के बाद में फिर आपको यहाँ पर लेना होगा गुलाब जल। दोस्तों, आपको इसमें जो है कम से कम 4 चम्मच इसमें गुलाब जल ऐड करना है। अब दोस्तों, आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है। दोस्तों, ध्यान रहे आपका पेस्ट ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, आपको इसे एकदम पतला और बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार करना है, जो कि आप देख सकते हैं मेरा पेस्ट बनकर तैयार है। ये दोस्तों ना तो ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा पतला है। इसी तरीके से आपको एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस पेस्ट को जो लगाने का तरीका है वो ये है, आप जो अपने चेहरे को किसी अच्छे साबुन से धोकर साफ कर लें, फिर उंगलियों की मदद से इस तरीके से इस पेस्ट को लेकर आप अपने चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से दोस्तों, आप इस पेस्ट को लगाकर अपने चेहरे पर आधे घंटे के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद जब ये सूख जाए तब आप इसे सादा पानी से धोकर साफ करें। दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर 2 दिन तक कम से कम ना ही किसी शैम्पू साबुन और फेस वॉश का चेहरे पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें हल्दी मिली हुई है। हल्दी के बाद में हमें साबुन और फेस वॉश का शैम्पू का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे हमारा चेहरा काला पड़ सकता है। तो आप भी यहाँ पर 2 दिन तक साबुन फेसबुक शैम्पू का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा जैसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।